बड़ी हत्या हुई है, वो भी जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस वालों के सामने, कैसे देखते हैं? न्यायिक हिरासत में, पुलिस की बड़ी सुरक्षा में दो लोगों की हत्या, ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडा, जंगल राज कायम हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में भय और दहशत का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराधी बेखौफ हो गए हैं और जनता भयभीत है। ऐसे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। पूरे प्रदेश में जनता भयभीत है और अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में अपराध करने का काम कर रहे हैं। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? समाजवादी पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं, आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर एक हो गया है, उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, अपराधी उनके संरक्षण में हत्याएं करने का काम कर रहे हैं, पुलिस के मौजूदगी में पत्रकारों का इंटरव्यू होते समय जो हत्या करने का काम हुआ है, जघन्य हत्या हुई है, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।